हेलो माय क्यूट सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही वियर्ड और बहुत ही ज्यादा क्यूट से प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है ये क्लींजिंग ब्रश। तो मैंने इसे अमेजोन से परचेस किया है। आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और ये कितना वर्क करता है इसका डिटेल और डेमो जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट का रिव्यू, डेमो और मेरा एक्सपीरियंस, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस प्रोडक्ट को परचेस करने में। और वीडियो देखते देखते आपको पसंद तो आ ही जाएगी, तो प्लीज लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मेरे साथ जरूर बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्लींजिंग ब्रश, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो ये कुछ इस तरह की पन्नी में आया था, मुझे बस यही रिसीव हुआ था और मैं इसे बस ओपन करना है, देन आपको आपका प्रोडक्ट ही सीधे मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब बाहर से आते हैं तो काफ़ी सारे जो डर्ट्स होते हैं हमारी स्किन में चिपक जाते हैं, जो कि हैंड से फेस वॉश करने पर नहीं निकलते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम से बचने के लिए बनाया गया है ये क्लींजिंग ब्रश। ये इसके जो ऊपर आपको ब्रश के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रिशल्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक क्लीन कर देते हैं हमारी स्किन की जो डर्ट्स अंदर फंस जाते हैं। और ये भी मान लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं लगता है और इसके जो ब्रिशल्स हैं वो बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुँचाते हैं। और इसके अंदर जो है ये स्पॉन्ज है जिसके पीछे हमें हमारा फेस वॉश डालना होता है। तो एक मेरी पर्सनली टिप्स आपको मैं आपको देना चाहूँगी कि आप इसके अंदर कोई भी फेस वॉश डालें ना, तो या तो वाटर बेस हो या तो जेल बेस हो, क्योंकि अगर आप क्रीम बेस फेस वॉश इसमें डालते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं इसे खुद फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट डुबो कर भी इसे आप गीला कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा फेस वॉश, जो कि अगेन क्रीम बेस है। मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको क्रीम बेस फेस वॉश अगर इसमें डालेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको फील हो सकती है। तो इस तरह से पहले हमें इसे अच्छे से घुमा लेना है ताकि जो फेस वॉश है अच्छे से अंदर तक चला जाए इसकी स्पॉन्ज के अंदर, देन इसका जो फोम है वो बाहर निकलने लगता है, जो कि हम इसे अब अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में यूज़ करते करते हमें अपने स्किन के जो डर्ट्स है उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई है इसे यूज़ करने में, क्योंकि मैंने इसमें क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ किया है और शायद मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए अगर आपको हैबिट हो जाती है देन आप इसे बिल्कुल ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अनहाइजीनिक भी मुझे लगा है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो फोम जो है वो फैल जाता है और हाथों पर भी लग जाता है। तो ऐसे भी फेस वॉश वाले टूल्स आए हैं जो आपके हाथों पे नहीं फैलते हैं, बट अगर आपको हैंड वाला ही यूज़ करना है तो फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आपको हैबिट हो जाएगी तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी भी हो सकता है। तो मैंने इसे फेस को क्लीन तो कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो मैंने इसे जब यूज़ किया तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, बिल्कुल मेरी स्किन पे पता नहीं चल रहा था और बिल्कुल भी हार्मफुल ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने हैंड से कोई स्क्रबर जो है अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा चल भी सकता है और हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी प्रोडक्ट है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया है इस प्रोडक्ट को लेकर। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप लोगों ने भी इसे यूज किया है एक बार भी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना एक्सपीरियंस भी। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और कमाल का प्रोडक्ट है। मैं इसे हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा होता है बहुत बार, हम सब जानते ही है कि हैंड्स काफी नहीं होते हमारी स्किन को पूरी तरह से अंदर तक क्लीन करने के लिए। तो ऐसा कुछ अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है हमें हमारी स्किन केयर रूटीन के लिए। तो प्लीज आप इसे फॉलो जरूर करना और इसे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको डेफिनेटली इसे परचेस करना चाहिए और मैं इसे नेक्स्ट टाइम जरूर परचेस करूंगी। अभी तो मैंने परचेस कर लिया, ये पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, आई डोंट नो। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। बाय बाय।